दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि टेनी कहता है मैं अपनी पिछली लाइफ में ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया था लेकिन इस लाइफ में मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा फिर इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैनोन कह रहा होता है कि मैंने तुम पर शक् किया मुझे उसके लिए माफ़ कर देना तुम बहुत ही ज़्यादा सच्चे हो यह सिर्फ मेरी गलत थी जिसे सुनने एक बार टेनी कहता है कि शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए आपने मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा किया और मेरी जात भी की फिर तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी उसके हमने ये खाना खास तुम्हारे लिए मुझे लगता है कि आपने नाश्ते के लिए बहुत सारा खाना तैयार किया है जिसे सुनने के बाद जैनोन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यह सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने आज एक बहुत ही ज्यादा शानदार काम किया है भला कौन सोच सकता था कि तुम एक नाइट को हरा दोगे तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो और तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ोगे जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है बस उस नाइट ने अपना गार्ड डाउन कर दिया था जिसकी वजह से मैं उसे हरा पाया था ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुनने के बाद जनरल कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो और यह सिर्फ तुम्हारा बड़ा है जो तुम ऐसा कह रहे हो अगर मैं तुम्हारे बारे में गौर से सोचू तो मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि तुम एक टैलेंटेड बच्चे हो और टैलेंटेड बच्चे के लिए एक शानदार टीचर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि ऐसा नहीं है इस इलाके में बहुत सारे सूर भी ऐसे हैं जो बिना टीचर के ही आगे बढ़े हैं मैं भी उनकी तरह आगे बढूंगा। जिसे सुनने के बाद जेनोन हैरान हो जाता है और टैनी कहने लग जाता है कि वैसे मेरा पिछला एक टीचर था जो बहुत ही ज़्यादा शानदार था और उसने ही मुझे यह सब सिखाया है जिसे सुनने के बाद जैन कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हो और इसके अलावा तुमने खाने के मैनर्स को भी सीख लिया है ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक नॉबल बन चुके हो अब तुम बिल्कुल भी एक गरीब और कॉमनर नहीं लगते जिसे सुनने के बाद टेनी अपने मन में कहता है कि यह सब मेरी पिछली लाइफ की वजह से है यह सब मैनर्स मैंने सो एम्पर से सीखे हैं क्योंकि मैं उनके साथ जंग में रह चुका हूँ और जेनोन कहता है कि काली आंखें काले बाल जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं यह सिर्फ एक नॉबल की निशानी है हमारे राज्य और आस के राज्यों में ऐसा कोई भी नहीं है तुम मेरे लिए सचमुच बहुत ही ज्यादा कीमती हो लेकिन अगर वह जगह मुझे मिल जाती है तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह किस चीज के बारे में बात कर रहा है और जैनोन कहता है कि अगर वह पोजिशन मुझे मिल जाती है तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तुम हो जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह क्या बकवास कर रहा है क्या यह मुझे डिटेल में समझाएगा और जैनोन कहने लग जाता है कि मैंने उससे कल बात की वह बहुत ही ज्यादा खुश था जिसे टेनी कहता है कि लगता है कि यह किसी के बारे में बात कर रहा है और यह अभी बिल्कुल भी नशे में नहीं है शायद की बात कर रहा है जिसने इसे वह डेमोनिक चक्रा दिया है यह चक्रा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह सिर्फ के पास ही होता है ऐसा लगता है कि जैसे यह चक्रा इसे किसी ने दिया है मेरी पिछली लाइफ में शायद इस चक्रे को किसी ने छीन लिया होगा जिसकी वजह से वह इतना मोटा और भद्दा बन चुका है और जेनोन कहता है कि वह आदमी मुझसे जल्दी ही मिलने वाला है तुम्हें यकीन नहीं होगा वह बहुत ही ज़्यादा शानदार और ताकतवर है अगर तुम उससे मिलते हो तो तुम्हें वह एक इम्पोर्टेंट पोजीशन दे सकता है जिसे सुनै टेनी कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए और वह अपने मन में कहता है कि आखिरकार वह इंसान कौन होगा मैं उसके बारे में सोचता ही जा रहा हूँ फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने फिर से लोड से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं नहीं लगा। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया ऐसा लगता है है, कि जैसे उसके पीछे एक बहुत बड़े इंसान का हाथ है। और मैं जानता हूं कि फिर लेवल टू का जादूगर है जबकि केरन भी लेवल टू का फाइटर है जो कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों की पोजिशन को एक साथ तय किया गया है इसके पीछे एक बहुत बड़े इंसान का हाथ है और मुझे वह जल्द से जल्द ना होगा जबकि वह दोनों लेवल टू पे है मुझे उन तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और लेवल टू पर पहुंचना होगा क्योंकि मेरा लेवल वन है और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम छह दिनों का वक्त लगने वाला है फिर इसके बाद हमें तीन दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और टेनिक कहने लग जाता है कि शायद ये छोटी बॉडी की वजह से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और मेरा वजन और स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज हो चुकी है यह मेरी प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अलग है मैं अपनी पिछले लाइफ में इतनी तेजी के साथ ग्रो नहीं कर पाया था लगता है कि मुझे पहले से ही अपनी बेसिक्स पर काम करना चाहिए था जो कि मैं अपनी पिछली लाइफ की वजह से नहीं कर पाया था मैंने अपनी माना पावर को इतनी ज़्यादा ताकतवर कर लिया था कि मैंने एक बहुत बड़ी माना बॉडी को बना लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी जो कि अनकॉन्सियस होने पर ही रिएक्ट करती थी वह माना बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी और ताकतवर थी कि फिजिकल बॉडी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता था जबकि इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि बड़ा होना मैटर नहीं करता है हम छोटी बॉडी के साथ भी ताकतवर बन सकते हैं लेकिन अचानक से टेनी की नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ से दो सैनिक आ रहे होते हैं लेकिन टेनी को देखने के बाद वे कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा इस्ट्रॉग बच्चा है इसने तो हमारे ग्रांड सर को भी हराया था चलो चलो हमें भी यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए था नहीं तो यह बच्चा हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा अजय से देख के बाद ट्रेनिक खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह है तो काफी ज्यादा अच्छा है कि मेरे आसपास के लोग मुझसे डरते हैं और वह है पिछले कुछ वक्तों में मैंने बहुत ही ज्यादा खाना खाया और अपनी ताकत को भी बढ़ाया और मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जिसकी वजह से लोगों का अटेंशन मेरी तरफ आने वाले लगे और लोग मुझे जानने लगे और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कैरन आ जाता है जो कहने लग जाता है कि जैसा मैंने सोचा था मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे जैसे सुनने के बाद कहता है की ग्रैंड मास्टर केरन क्या कोई काम था जो आप मुझे बताना चाहते हैं जिसे सुनने के बादलोड हाँ, ने तुम्हें एक आर्मर देने के लिए कहा है और इसमें थोड़ा सा मजा आने वाला है फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे आर्मर रूम के पास पहुँच चुके होते हैं और केरन कहता है कि तुम्हें माई लॉर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह तुम्हें एक आर्मर दे रहे हैं वह सचमुच बहुत ही ज्यादा महान है लेके हम देखते हैं कि टेनी को इन सब चीज़ों पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वह आसपास की चीज़ों को देख लग जाता है और वह कह लग जाता है कि यह आर्मर इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह काफ़ी ज़्यादा शानदार है और यह तलवारें मैं अपनी पिछली लाइफ में इन तलवारों को नहीं खरीद पाया था क्योंकि मैं सिर्फ हैमर को ही इस्तेमाल करता था यह सब मेरी पैसों की वजह से है और टैनी कहता है कि गैन मास्टर क्या मैं आपकी तलवार को ले सकता हूँ इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यह बहुत ही ज़्यादा शानदार तलवार है जिसे सुनने के बाद केरन थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें यह तलवार क्या एरी गेरी तलवार लगती है यह बहुत ही ज्यादा खास तरीके की तलवार है और इसे खास मेटीरियल से बनाया गया है अगर मैं तुम्हें सही तरीके से कहूँ तो यह नॉर्मल तलवार से दस गुना ज्यादा ताकतवर है अगर इसे किसी ने छूने की कोशिश की तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि इसका खास मेटेरियल है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है जिसे सुनने के बाद टहनी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ यह सारा का सारा पैसा तुम सबने गरीब से ही लूटा है और वह कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है यह शानदार तलवार तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इस शानदार तलवार को शानदार लोगों के पास होना चाहिए तुम जैसे कमजोरों के पास यह तलवार क्या कर रही है सुनने के बाद कैरन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बास्टर्ड क्या तुम्हारी मरने की इच्छा हो रही है जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्यों ना हम एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं कि हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर और शानदार कौन है अगर मैं इसमें हारता हूं तो तुम तो मेरे गले को भी काट सकते हो अगर मैं इसे जीतता हूँ तो तुम यह तलवार मुझे दे दोगे और इस बात को सुनने के बाद कैरन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे यह कहने की और उसके ऊपर तलवार से एक जोरदार हमला कर देता है और इसकी आवाज़ बाहर तक आती है जिसे सुनने के बाद वह सैनिक हैरान हो जाते हैं और एक सैनिक कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना कैरन मास्टर लेकिन मैं यहाँ पर ध्यान रख रहा हूँ लेकिन अचानक से देखते हैं कि उसका गेट खुलता है, जहाँ से टैनी बाहर निकल जाता है जैसे देखने के बाद वैसे नहीं हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि टैनी को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा मारा गया है जिसे देखने के बाद वे सैनिक हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार इसके साथ क्या क्या होगा क्या ग्रैंड मास्टर कैरन ने इसके साथ फ़ाइट की होगी जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि सच मुझे एक छोटी सी उम्र में टैलेंट होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शायद वे अफवाहें बिल्कुल सच थी जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि कौन सी अफवाहें और वह बताने लग जाता है कि क्या तुमने वे अफवाहें नहीं सुनी ग्रैंड मास्टर और इस बच्चे की बिल्कुल भी नहीं बनती और लोगों ने मुझसे कहा था कि ये अगला लीडर बनने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है शायद इसी वजह से ग्रैंड मास्टर कैरन ने इसके साथ ऐसा किया होगा आ जिसे सुनने के बाद एक नौकरानी कहती है कि वह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है ग्रैंड मास्टर कैरन इस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिसे सुनने के बाद दूसरे से नहीं कहता है कि हाँ यह बिल्कुल सच है लेकिन हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए नहीं तो हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं और हम देखते हैं कि टेनी अपने कमरे की ओर जा रहा होता है जिसे देखने के बाद दो नौकरानी कहते हैं कि मास्टर आपके साथ ये क्या हुआ आ यह चोटे कहाँ से लगी जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि यह सब ग्रैंड मास्टर की वजह से है उसने मुझे आर्मर दिखाने के लिए अपने कमरे में ले गया और फिर मेरे साथ ऐसा किया मैं सचमुच अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं जिसे सुनने के बाद वह मेड कहती है कि आपको आराम करना चाहिए अगर आपको कमरे में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया फिर इसके बाद हमें जानवर को दिखाया जाता है जो अपना माल पानी पी रहा होता है और कहने लग जाता है कि उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों को हम सेक्रीफाइस करने

गड़बड़ है उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह बहुत बड़ी साजिश कर रहा है बस कुछ ही दिनों की बात है अगर मैं उस बच्चे की ब्लड लाइन के बारे में पता लगा लेता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस के रास्ते पूरी तरीके से खुल जाएंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर वह कोई ताकतवर फैमिली से नहीं हुआ तो मैं क्या करना चाहिए यह सच में बड़ी प्रॉब्लम है क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से वह बच्चा इतना ज्यादा ताकत जो का है अगर ऐसा हुआ तो वह फैमिली मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वह एक बहुत बड़ी फैमिली का बच्चा है जिस तरीके से वह बच्चा बातें करता है और उसके खाने के मैनर्स यह बिल्कुल कॉमनर के नहीं है ऐसा लगता है कि वह सचमुच एक बहुत बड़ी फैमिली का बच्चा है अगर ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस का रास्ता है और उसकी मदद मतलब से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ लेकिन मुझे उसके लिए उसे कंट्रोल करना होगा और वह कहता है कि हाँ यह मेरे लिए सही रहेगा लेकिन इससे पहले मुझे उसकी जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह सकता और मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वह किसी बंदे के बारे में बात कर रहा होता है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता और वह पूरी तरीके से सो जाता है लेकिन अचानक से उसे मैसेज आने लग जाते हैं जिसे देखने के बाद वह कहता है कि यह तो मैजिक अलर्ट है और वह कहता है कि क्या वह सब नौकरों की हिम्मत है उनकी हिम्मत कैसे मुझे परेशान करने की कहीं उन लोगों को पता तो नहीं लग गया कि मैं उनकी बलि चढ़ाने वाला हूँ और जैसे ही जेनून की नज़र सामने की तरफ जाती है वह कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर टेनी आता है जो उसके सीने में एक जोरदार तलवार घुसा देता है जिसे देखने के बाद जैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि टेनी उससे कहने लग जाता है कि यह तुम्हारा आखिरी दिन है तुम्हारा पापों का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है जिसे सुनने के बाद जेन उससे कुछ कहने की कोशिश कर है, लेकिन टेनी उसके डेमोनिक चक्रा को पूरी तरीके से तोड़ देता है जिसकी वजह से चिल्लाने की आवाज आती है और यह एक नौकरा नहीं होती है जो किसी चीज को देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और वे कह जाते हैं कि माई लोड जिसे सुनने के बाद बाकी के नौकर भी हैरान हो चुके होते हैं फिर इसके बाद हमें कैप्टन राम को दिखाया जाता है जो कह लग जाता है कि ब्लैक मेजिसन ऐसा नहीं हो सकता और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो चुके होते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि आखिरकार यह कैसा हो सकता है यह सब किसने किया होगा जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि पीस ने यहाँ पर जाँच पड़ताल कर ली है और उसे बिल्कुल भी डेमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हुई है और वह रिपोर्ट देने के लिए चर्च में गया है और रॉयल प्लेस से जल्दी ही इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आने वाले हैं और हमें इस सैनिक का नाम बताया जाता है इसका नाम जेरन होता है और जेरन की बातें सुनने

...के, आपने ऐसा फैसला क्यों किया और कि यह आदमी तो एक बहुत बड़ी है, 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 है जिसे सुनने के बाद एक सैनिक कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर से हो जिसे सुनने के बाद दूसरा सैनिक कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यह सब उस बच्चे की वजह से है जब से वह टैलेंटेड बच्चा यहाँ पर आया है ग्रैंड मास्टर पूरी तरीके से बदल चुके थे और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमारे माइलोड पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और वह उसकी बातें मानने लगे थे और इसकी वजह से ग्रैंड मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं थे सर इस रीजन की वजह से उसने ऐसा किया होगा जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता अगर ग्रैंड मास्टर पागल भी हो जाए तो वह ऐसा कभी भी नहीं करेंगे जिसे सुनने के बाद एक और सैनिक कहता है कि लेकिन अगर ग्रैंड मास्टर ने ये सब नहीं किया है तो ग्रैंड मास्टर कहां पर है जब से मैं यहां पर आया हूं मैंने उसे तब से नहीं देखा जिसे सुनने के बाद जैन कहता है कि तुम सब लोगों को बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं है हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और हम देखते हैं कि वह सैनिक सभी मेड्स और सभी सैनिकों उसे पूछताछ करने लग जाते हैं और जैन कहने लग जाता है कि इसमें शायद किसी और का भी हाथ हो सकता है लेकिन सभी सैनिकों और मेड्स से पता चलता है कि उन्होंने आखिरी बार टेनी और गेन मास्टर को देखा था शायद उसके पीछे उस बच्चे का भी हाथ हो सकता है वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा गवाह हो सकता है और वह उसकी तरफ जाने लग जाता, और कहने लग जाता है कि जा उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह टेनी को वहां पर ले आए होते हैं और टेनी कहने लग जाता है कि कल माई लोड के कहने पर ग्रैंड मास्टर कैरन मुझे आर्मर दिखाने के लिए ले गए थे लेकिन मैंने जैसा सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और अचानक से ग्रैंड मास्टर कैरन ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे दिए बिना ही वहां से भागा दिया जिसे सुनने के बाद दियारन बहुत ही और कहने लग जाता है वहां पर कचरे के सिवा कुछ नहीं है भला ग्रैंड तुम्हें वहां पर क्यों ले जाएंगे मुझे सच बताओ क्योंकि तुम ही उससे आखिरी बार मिले थे और तुम्हारे मिलने के बाद ग्रैंड मास्टर किरण गायब हो गए हैं और उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं है जल्दी से मुझे सच बताओ जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि नहीं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता जिसे सुनने के बाद क्या, क्या मुझे लगता है कि तुम केरन की से है। क्योंकि उन्होंने अचानक से मुझे पर हमला कर दिया जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा चोट आई और इसकी वजह से मैं माई लोड से मिलने भी नहीं गया मैं तुमसे यही कह सकता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता जिसे सुनने के बाद जेरन अपने मन में कहता है कि जैसा सैनिकों और मेड ने कहा यह बिल्कुल वैसा ही है और वह कहता है कि चलो तो फिर ठीक है जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि आखिरकार अब मेरे साथ क्या होगा माई लोड ने मेरी सेफ्टी का वादा किया था अब मेरे साथ क्या होगा जिसे सुनने के बाद जैन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है हम तुम्हारी सेफ्टी का इंतजाम करेंगे और तुम यहां से जा सकते हो और कल सुबह यहां पर दोबारा से आ जाना और हम देखते हैं कि टेनी उस कमरे से बाहर आ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं इस इंसान को जानता हूं क्योंकि मैं अपनी पिछली लाइफ में शायद इनसे नहीं मिल पाया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा नहीं शायद मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं जब पिछली बार यहाँ पर आया था तो शायद यह इंसान पर मौजूद नहीं था और इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यह बहुत ही ज्यादा चालाक और सातर है मेरे जवाबों से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा ऐसा लगता है कि जैसे यह मुझ पर शक कर रहा है मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता फिर इसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे कोई कुछ देता है जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि यह तो पैसा और मैसनरी कार्ड होता है और हम देखते हैं कि यह सब जैन ने दिया होता है और वह है कि तुम एक अलग ही जगह से आए हो और मैं चाहता हूं कि तुम इस इन सब को रखो यह सब तुम्हारे लिए है और यह जो मैसनरी कार्ड दिया है इसकी मदद से तुम कहीं पर भी अपना व्यापार कर सकते हो कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं जिसे सुनने के बाद टेनी अपने मन में कहता है कि आखिरकार यह सब मुझे क्यों दे रहा है क्या इसकी कोई प्लानिंग है और वह कहने लग जाता है कि आप मुझे यह सब क्यों दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद बच्चे हो जो एक अलग ही जगह बड़ा हूँ कि तुम मेरी सलाह मानो जिसे सुनने के बाद टेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार यह इंसान मुझसे क्या चाहता है क्या यह चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ वह कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा था जिसे सुनने के बाद जन कहता है कि क्या सच में और टेनी अपने मन में कह जाता है कि उस ब्लै मेजिशन को मारने के बाद इम्परल फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक्शन में आ गई होगी मुझे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा और यहाँ से जल्द से जल्द जाना होगा लेकिन मुझे इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और हम देखते हैं कि वह एक अंगूठी को निकालता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह वैलेंटिया फैमिली की अंगूठी है और इसकी मदद से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और जैरन कहने लग जाता है कि तुमने अच्छा फैसला लिया, लिया और अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओ तो मेरा नाम जरूर याद रखना जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है जिसे सुनने के बाद जैरन हैरान हो जाता है और कहने कहनाता है कि क्या तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं पता मेरा नाम जय जैरन लिबर्टी है और तुम मुझे जैरन बुला सकते हो जिसे सुनने के टैनी कहता है कि आप भी मेरा नाम जरूर याद रखना मेरा नाम टैनी है इसके और, और, और गेंद मास्टर के ऊपर के डिपेंड करता है और वे अपने मन में कह लग जाता है कि मैं उनके लिए काफी ज्यादा सोरी फील कर रहा था वे काफी ज्यादा परेशान थे और वे अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैं की कोई भी मदद नहीं कर सकता लेकिन उन्होंने जो मुझे मैसने कार्ड दिया है इसकी मदद से शायद मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ और कहीं पर जा सकता हूँ लेकिन मुझे कुछ घोड़े किराए पर लेने की जरूरत है लेकिन अचानक से उसकी नजर किसी पर जाती है और हम देखते हैं कि उसका भेड़िया वहाँ पर आ चुका होता है और उससे कुछ कहने लग जाता है जिसे सुनेकबा टैनी कहता है कि क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी सवारी करूँ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता तुम इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे और वैसे भी एक इंसान एक वुल्फ की सवारी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी काफी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठ सकता सुनने के बाद वह भेड़िया कुछ कहने लग जाता है जिसे सुनने के बाद कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर बैठ ही जाता हूं अब चलो यहाँ पर चलते हैं तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा अलग है और वह अपने मन में कुछ बातों को सोचने लग जाता है जहां पर वह कहने लग जाता है कि एक स्पीड का शरीर उतना बड़ा हो सकता है जितना वह पहले था और मुझे लगता है कि मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से शायद मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मुझे उसने यही कहा था और वह लड़की उसे कुछ कह रही होती है फिर तो इसके बाद तैनी कहने लग जाता है कि क्या मुझे यह सब ट्राई कर कर देखना चाहिए और हम देखते हैं कि वह अपनी माना पावर को उस भेड़िए के अंदर लेने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे अपने माना की मदद से अपनी आत्मा और इस स्प्रिट की आत्मा को एक करना होगा तभी जाकर मैं इसे ताकतवर बना पाऊंगा और वह कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं और इसका लेवल टू करते हैं और हम देखते हैं कि वह अपनी माना पावर को उसमें पूरी तरीके से भेजने लग जाता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है और टेनि कहता है कि यह तुम्हारी बॉडी लगता है कि बॉडी ताकतवर हो रही है और वह उसे देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है फिर इसके बाद उसे लड़की की याद आती है जहाँ पर वह लड़की उसे कह रही होती है कि एक स्पीड को ताकतवर बनाने के लिए एक मैच का हाथ होता है जितना ज़्यादा ताकत मैच होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड होगा और यह सब स्पीड पर डिपेंड करता है कि वह कितना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं क्योंकि हर स्पीड की अलग अलग ताकत होती है और टहनी कहने लग जाता है कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा था इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वह कहने लग जाता है कि तुम्हारी ताकत तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है तुम एक कमाल के स्पिट हो और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे इसकी ताकत को चेक कर कर देखना चाहिए लेकिन अचानक से देखते हैं कि वह मून वुल्फ बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग लग जाता है जिसे देखने के बाद टेनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही वेलेंटिया शहर पहुँच जाऊँगा और हम देखते हैं कि वह भेड़िया बड़ी तेज़ी के साथ शहर की तरफ जा रहा होता है और टैनी अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूँ तो इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ लेकिन सबसे पहले मुझे उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर डीम्स ने सबसे पहले हमला किया था क्योंकि मुझे पता है कि उनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और वह कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे वहीं पर जाना होगा मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ वहां से जा रहा होता है और अपने मन में कह लग जाता है कि गोडेस ने इंसानों को सात ताकत और हथियार दिए थे ताकि वह इंसानियत को बचा सके लेकिन मेरी पिछली लाइफ में वह सातों के साथ हथियार पूरी तरीके से चोरी हो चुके थे लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि वह हथियार कहाँ पर मौजूद है इसलिए मुझे इंसानियत को बचाने के लिए उन हथियारों को ढूंढना होगा ताकि मैं ताकत हो सकू लेकिन सबसे पहले मुझे करुण शहर जाना होगा जहां पर का सबसे पहला हमला हुआ था और वहीं से ही मैं ड्यूक से मिल पाऊंगा के बाद हमें अलग जगह सीन को दिखाया जाता जाता है है जहां पर पर बंदे लग जाता है कि फैमिली से इन्वेस्टिगेटर आ चुके हैं जो यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा संभल कर रहना होगा क्योंकि यह सारा का सारा काम एक ब्लैक मेजिशन का था और आशा करता हूँ कि हम सब लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हमें अपने घरों में चला जाना चाहिए और यही हमारे लिए बेहतर होगा और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लैक मेजिशियन आ जाता है जिसे देखने के बाद सैनिक कहते हैं कि है तुम कौन हो अपनी आइडेंटिटी बताओ जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन उस पर कोई जादू करता है और कहना चाहता है कि साइडट हो जिसकी वजह से वह सैनिक वहीं पर दूर हो जाते हैं और वह ब्लैक मैजशियन अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस लॉर्ड के घर में वह जैरन अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रहा होता है लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होने लग जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है और वह कहने लग जाता है कि है तुम कौन हो जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशन कहने लग जाता है कि मुझे उस केस की जाँच करनी है जो तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओगे और मैं जानना चाहता हूँ कि फिर लॉर्ड के साथ क्या हुआ और वह ब्लैक मैजिसन एक छुटकी बजाता है जिसकी वजह से जेरन को कुछ होता है और वह क्या लग जाता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और वह ब्लैक मैजिशियन कहता है कि फेस लॉर्ड की बॉडी कहां पर मौजूद है मुझे उसे देखना है जिसे सुनने के बाद जेरन कहता है कि इन्वेस्टिगेटर टीम ने रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उसे बेडरूम में रखवा दिया था और जिसे सुनने के बाद वह ब्लैक मैजिशियन कहता है कि ठीक है अब तुम एक घंटे के बाद ही जागोगे फिर इसके बाद हमें एक घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जेरन जाग चुका होता और कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ मैं अचानक से सो क्यों गया और वह कहता है कि अचानक से मुझे कुछ हुआ था मैं शायद नहीं है लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई बंदा आता है और कहने लग जाता है कि सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिस लोड की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो चुकी है जिसे सुनने के बाद जेरन हैरान हो जाता है। और कहने लग जाता है कि दत्तरी की ऐसा नहीं हो सकता वही तो एक जरिया था ब्लैक मेजिशन को जानने का फिर इसके बाद हमें फिल्स के, के जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर वह काला जादूगर उस तलवार को लेकर आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि इस तलवार का मालिक तो मर चुका है लेकिन यह तलवार मुझे मिल गई है और मैं जानता हूँ कि वुल्फ के मर जाने के बाद यह सारी की सारी घटना उससे रिलेटेड है और यह सब उस काले बालों वाले बच्चे ने किया होगा वह बाशर मुझसे नहीं बचने वाला मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगा उसे क्या लगता है कि वह हमसे बच जाएगा हमारे काम में टाँग अड़ाने की वजह से उसे कीमत तो चुकानी हो वह मरेगा फिर उसके बाद हमें लूसेंटिया शहर को दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर टेनी आ चुका होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लूसेंटिया शहर में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है लेकिन अगर जेरन ने उस केस में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन सबसे पहले मुझे अपने लिए इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे और वह अपने पास से कुछ सिक्के निकालता है और कहने लग जाता है कि मैं जैन का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे यह सिक्के दिए लेकिन यह सिक्के बहुत ही ज्यादा कम है भला इन सिक्कों से मैं अपने लिए इक्वमेंट कैसे खरीद सकता हूँ लेकिन अचानक से टेनी की नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे आ चुके होते हैं जो कहने लग जाते हैं कि यह बच्चे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जल्दी से वह पैसे हमें दे दो और हम देखते हैं कि यह कुछ गुंडे मवाली होते हैं और वह कहने लग जाते हैं कि बच्चे तुमने सुना नहीं हम तुमसे कहा है कि जल्दी से अपनी जेब ढीली करो हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तुम्हारा क्या जिसे सुनने के बाद वह बंदे हैरान हो जाते हैं और टेनी कहता है कि लगता है कि तुम दोनों के पास भी बहुत सारा पैसा है और टैनी हमें बताना चाहता है कि मेरी पिछली लाइफ में यह सारे के सारे चोर मुझे डीम्स की तरह देखते थे क्योंकि मैं इन लोगों को बिल्कुल भी बखस्ता नहीं था अगर मैं सड़क पर निकलता तो यह लोग अपनी सांसों

चला जाता है और हम देखते हैं कि वह बंदा उस दूसरे चोर से डाकर डकराता है जिसे देखने के बाद वह हैरान हो जाता है लेकिन हम देखते हैं कि टेनी वहां पर आता है और एक जोरदार लात उस चोर के मुँह पर दे मारता है जिसकी वजह से वह चोर उड़ता हुआ दूर चला जाता है और हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है फिर उसके बाद टेनी उनके पास जाता है और अपना पैसा वहाँ से उठा लेता है जिसे देखने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि अगर हमारे बॉस को इसके बारे में पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि लगता है कि तुम्हारा वॉलेट तो बहुत ही ज़्यादा मोटा है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैसा होगा जिसे सुनने के बाद वह बंदे कहते हैं कि हमारे पैसे को हमें दो और टेनी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फिर इसके बाद टेनी एक दुकान पर आ जाता है और कोई बंदा उससे कहने लग जाता है कि सर यह आर्मर बहुत ही ज्यादा कमाल का है यह खास तरीके के लोहे और चमड़े से बनाया गया है आप पर यह बहुत ही ज्यादा सूट करता है और यह कई तीरों के हमले को भी सहन कर सकता है जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि तुम्हारे यह दोनों इक्विपमेंट तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और हम देखते हैं कि वहां पर दो बंदे होते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है कि तुम वहां पर नहीं आ सकते जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि नहीं मुझे वहां पर जाना है मैंने सुना है कि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आज तक मैंने उसे नहीं देखा जिसे सुनने के बाद टेनी

पूरी तरीके से बदल गई मैं जीना चाहता था और उन दोनों ने मुझे जीने का तरीका सिखाया और मैं उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ लेकिन जब मैं अपनी पिछली लाइफ में उनसे मिला था तो और हम देखते हैं कि टैनी अपनी पिछली लाइफ में राजकुमारी से मिला होता है और वह राजकुमारी कहने लग जाती है कि टैनी क्या मैं इस नाम को जानती हूँ मुझे माफ़ कर देना यह नाम थोड़ा सा बड़ा है और हम देखते हैं कि वह खांसने लग जाती है और ज़ोर जोर से खांस रही होती है जिसे देखने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और वह राजकुमारी कहती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं टेनी को नहीं जानती जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि जब मैं अपनी पिछली लाइफ में मिला था तो वह मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी वह मुझे पूरी तरीके से भुला चुकी थी लेकिन जब मैं इस लाइफ में उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ तो क्या वह मुझे पहचान भी पाएंगी खैर छोड़ो इन सारी बातों को मैं बस सोड एम्पर से मिलना चाहता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ और टेनी बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि लुटेनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इसके बाजार तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी सड़कें देखो ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी को शहर दिखा रहा होता है और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये काउंट ऑफ लुटेनिया का सबसे बड़ा बेटा है और इसका नाम डेविन वॉन लुटेनिया है और वह कहना लग जाता है कि लुटेनिया का बाजार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ के लोग तो उससे भी ज़्यादा कमाल के हैं लेकिन हम देखते हैं कि राजकुमारी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती और वह कहने लग जाती है कि मुझे इन सब चीज़ों को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मैं इस जगह की बस्तियों को देखना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है की आपने क्या कहा क्या आप उस जगह पर सचमुच जाना चाहती है वह गरीबों का इलाका है, है, हाँ, है, है और क्या लग जाता है की हाँ जरूर आपको वहां पर जाकर जरूर देखना चाहिए चलो चलते हैं जिसे सुनने के बाद राजकुमारी अपने मन में कहती है कि यह इस तरीके से कर रहा है इसे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया है है। लेकिन इसके बावजूद भी यह उन बस्तियों को पसंद नहीं करता और वह अपने फादर की बातों को याद कर रही होती है जहां पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि हमें अपने देश के सबसे नीचे वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह लोग हमारी जमीन से जुड़े हुए हैं और उनका ध्यान रखना हमारा फर्ज है जिसे सुनने के बाद राजकुमारी अपने मन में कहती है कि मेरे डेड बहुत ही ज्यादा अजीब है लेकिन इसके बावजूद भी वे एक महान दिल इंसान है और वह लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं शायद इसी वजह से हमारे देश के लोग मेरे फादर को पसंद करते हैं लेकिन मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है और इसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगी और इसके बाद मैं अपनी आजादी भाई लाइफ को हमेशा के लिए खो दूंगी अब लगता है कि मुझे एक मंदिर के अंदर संन्यास लेना चाहिए कम से कम वहां पर रहकर मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी और आजाद रह पाऊंगी लेकिन इसकी वजह से मेरे फादर बहुत ही ज्यादा निराश होंगे क्योंकि वह मुझे अकेली बूढ़ी होते हुए नहीं देखना चाहेंगे मुझे भी अपना एक साथी चुनना होगा और हम देख देखते हैं कि अचानक से उस राजकुमारी को किसी की आवाज आती है और वह पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं कि वहां पर टैनी आ चुका होता है जिसके ऊपर वह सैनिक हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और टैनी थोड़ा सा गुस्से में होता है जिसे देखने के बाद डेविन कहता है कि वह बच्चा कौन है और वह कहाँ से आया है और वह सैनिक कह लग जाता है कि ये बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जल्दी से यहाँ पर चले जाओ जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि रुको जरा मेरे पास यह वैलेंटिया की अंगूठी है और मैं यहाँ पर राजकुमारी से मिलने के लिए आया हूँ जिन्होंने मुझे यह अंगूठी दी थी और हम देखते हैं कि टेनी उसके सामने उस अंगूठी को दिखाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि राजकुमारी आपने ही मुझे आने के लिए कहा था और जैसा कि आपने कहा था मैं यहाँ पर आ ही गया लेकिन मुझे यहाँ पर आने में बहुत ही ज़्यादा देर हो गई और हम देखते हैं कि जैसे ही वह राजकुमारी अंगूठी को देखती है वह उसे पहचान लेती है और कहने लग जाती है कि यह मेरी अंगूठी है जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहती है कि यह आप क्या कह रही हैं क्या यह सचमुच आपकी अंगूठी है जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि हाँ यह मेरी अंगूठी है लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि यह अंगूठी इसके पास कैसे आई जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और राजकुमारी कहती है कि है सर आपको यह अंगूठी कहाँ से मिली जिसे सुनने के बाद टैनी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वह सुन भी यह सुनते ही टैनी के ऊपर अपनी तलवार को तान लेते हैं और उसे राजकुमारी से दूर कर देते हैं और हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़की होती है जो कह लग जाती है कि बच्चे जल्दी से जवाब दो तुमने यह अंगूठी कहाँ से चुराई है क्या इसके पीछे किसी की प्लानिंग है जल्दी से दो बच्चे जिसे सुनने के बाद टेनी अपने मन में कहता है कि तेरी की लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया मुझे सोच समझ कर आना चाहिए था और वह कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा लेकिन मैं वही बच्चा हूँ जिसको राजकुमारी ने वह अंगूठी दी थी जिसे सुनने के बाद वह राजकुमारी हैरान हो जाती है और टेनी अपने मन में कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इन लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने माना पावर की वजह से अपनी उम्र को बढ़ा लिया है और वह राजकुमारी कहने लग जाती है कि लेकिन वह बच्चा तो कुछ अलग था और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और गरीब था लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते और तुम बातें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हो और वह बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और राजकुमारी की यह बात टेनी के दिल में चुप जाती है और वह अपने मन में कहता है कि यह सब उस वुल्फ की वजह से हुआ है उसको मानने के लिए मुझे अपनी माना पार और अपनी उम्र को भी बढ़ाना पड़ा और वह राजकुमारी कहने लग जाती है कि वह बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा था और क्यूट और प्यारा भी था जिसे सुनने के बाद टेनी अपने मन में कहता है कि शायद उस बच्चे को यह क्यूट और प्यारा मानती है मुझे कुछ करना होगा चलो तो फिर ठीक है मुझे यही करना चाहिए और हम देखते हैं कि वह अपनी माना पावर की मदद से अपने वुल्फ भेड़िए को उसके गोद में डाल देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है जिसे देखने के बाद राजकुमारी थोड़ी सी हैरान हो जाती है लेकिन अचानक से वह उसे प्यार करने लग जाती है और वह कहने लग जाती है कि यह कितना ज़्यादा प्यारा और ट है आखिरकार दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जिसे सुनने के बाद दूसरी लड़की कहती है कि क्या यह क्यूट है यह सिर्फ एक अजीब स्पिट है आपको इसे गले नहीं लगाना चाहिए जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि नहीं नहीं यह स्पिट तो कितना ज्यादा क्यूट है और स्पिट उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास सच्चा दिल होता है मतलब यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा है जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहती है कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब और सस्पीशियस है और इसके पास एक स्पिट भी है आखिर कार ऐसा कैसे हो सकता है और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है इसका नाम विविन है और राजकुमारी कहती है कि इस बच्चे का नाम क्या है जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि इसका नाम मून वुल्फ है और क्योंकि यह मुझे चांदी रात को मिला था जिसकी वजह से मैंने इसका नाम यह रख दिया जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि यह कितना ज़्यादा प्यारा नाम है जिसे सुनने के बाद विविन अपने मन में कहती है कि यह लड़का तो पूरी भाषा को भी बोल सकता है और राजकुमारी कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ही महीनों में इतना ज़्यादा बदल जाओगे तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हो जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम उस समय दस साल के लग रहे थे और तुम्हारे नाम का मतलब शायद छोटा या फिर कुछ और है जिसे सुनने के बाद टेनिक कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा मेरे नाम का मतलब टेनी है और मैं शायद माना को इस्तेमाल करने लगा हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया हूँ मैंने भी कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हारा नाम भी वही है जिसे सुनने के बाद विभिन उसके आग आ जाती है और कहने लग जाती है कि है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो तुम्हारे पीछे यहाँ आने का कौन सा मकसद है जिसे सुनने के बाद राजकुमारी उसे रोकती है लेकिन वह लड़की कहती है कि मुझे माफ कर देना मेरी बदतमीजी के लिए लेकिन मेरा काम है आपको सेफ रखना यह लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है जिसे सुनने के बाद डेविन कहता है कि मैं भी इसके बारे में यही सोच रहा था और मुझे लगता है कि जब तक हम इसकी पहचान नहीं कर लेते हमें इस लड़के से दूर रहना चाहिए यह लड़का हमारे लिए ख़तरा भी हो सकता है जिसे सुनने के बाद राजकुमारी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन टेनी कहता है कि मैं यहाँ पर किसी का भी भरोसा जीतने के लिए नहीं आया हूँ माय लेडी मुझे माफ़ कर देना लेकिन जब आपने मुझे वह अंगूठी दी थी तो मुझसे कहा था कि जब भी मुझे मदद की ज़रूरत है तो आप मेरी मदद करेंगे जिसे सुनने के बाद डेविन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की क्या तुम मरना आता है लेकिन राजकुमारी कहती है कि हाँ मैंने तुमसे यही कहा था क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर मिस्टर बोन वेलेंटिया से मिलने आया वहाँ जिसे सुनने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे के सारे सैनिक दोबारा से टेनी के ऊपर अपनी तलवार तान लेते हैं और विपिन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यह सब कहने की क्या तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि भला मेरे जैसा छोटा इंसान उसका क्या ही कर सकता है तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए वह इस के सात ताकतवर इंसानों में से एक है और इसके अलावा उसके पास एक कमाल का और एक विनाश का ही ताकत है जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता शायद इसी वजह से उसे सोड एम्प्र कहा जाता है जिसे सुनने के बाद विभिन्न और सारे के सहाइबंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और कह लग जाती है कि सोड़ एम्पर मैं जानती हूँ कि वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं लेकिन तुमने तो उसे सोड़ एम्पर का निक नाम दे दिया वह फ़िलहाल ही इस महाद्वीप के सात ताकतवर इंसानों में से एक बने हैं जिसे सुनने के बाद टहनी कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा और मैं वक्त में पीछे हूँ और राजकुमारी कहती है कि यह नाम उन पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है लेकिन वह सच में बहुत ही ज़्यादा मान है और लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं लेकिन मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि गांव बस्ती के लोग भी उसे इतना ज़्यादा महान मानते होंगे जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि हाँ लेकिन वह सच में बहुत ही ज़्यादा महान है और वह कहता है कि मैं उनसे कुछ बात करना चाहता था फिर में हाल ही में हुई घटना के बारे में जिसे सुनने के बाद वह सब हैरान हो जाते हैं और टेनी कहता है कि अब उसमें जो घटना हुई थी मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राजकुमारी अपने महल में आ चुकी होती है और कहने लग जाती है कि क्या वहां पर ऐसा हुआ था जिसे सुनने के बाद विभिन्न हाँ कहती है और राजकुमारी कहती है कि यह तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा था टेनी ने तुम्हें कुछ और बताया होगा क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो और जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ उसने मुझसे यही कहा था उसने बताया कि फिर लॉर्ड काले जादूगर हैं और उसके पीछे किसी इंसान का हाथ था जो उनसे यह सब करा रहा था जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि टेनी ने जो हमें बातें कही वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट गवाह हो सकता है और यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि टेनी फादर से मिलना चाहते हैं क्योंकि मैं भी फादर से मिलना चाहती थी और उनसे मिले हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं जिसे सुनने तो के बाद विभिन कहती है कि लेकिन माई लेडी क्या आप इस स्प्रिट को अपने ही बगल में इसी तरह रखेंगे ये आपको चोट भी पहुँचा सकती है और यह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी है और तुम्हें नहीं लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा क्यूट है जिसे सुनने के बाद विविन उसे गौर से देखने लग जाती है और उसे वह स्पीड बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है लेकिन अचानक से वह होश में आ जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है यह मेरी आंखों का धोखा था जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि टेनी कहाँ पर है जिसे सुनने के बाद विविन कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि सर डेवीन ने मुझसे कहा था कि बच्चे से कुछ काम है और ले लेकिन हम देखते हैं गायब हो जाती है। जिसे देखने वे हैरान हो जाते हैं फिर उसके बाद हम एक अलग जगह के सीन को देखते हैं जहाँ पर डेविन और टेनी होते हैं और डेविन कहता है कि अच्छा हुआ कि हम इस जगह पर आ गए बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि मेरा नाम टेनी है और वह बंदा कहता है कि तुम तो मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि तो तो क्या हुआ तुम अपने असली मुद्दे पर आओ तुमने मुझसे कहा था कि तुम काले जादूगरों के बारे में बहुत कुछ जानते हो और मुझे कुछ बताना चाहते हो जिसे सुनने के बाद डेविन कहता है कि भला मैं काले जादूगरों के बारे में क्या ही जानता हूँ मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर लाया क्योंकि तुम राजकुमारी के सामने बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे तुम्हें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए था जिसे सुनने के बाद टेनी कहता है कि तुमने तो, तो मुझसे झूठ बोला जिसे सुनने के बाद डेविन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की क्या तुम्हें कोई मेहनत नहीं है लगता है कि बच्चे तुम्हें सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वह टेनी के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है लेकिन हम देखते हैं कि अपने एक ही की मदद से उसके थप्पड़ को रोक लेता है और उसके हाथ को दबाने लग जाता है जिसे देखने के बाद डेविन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को ब्लॉक करने की और वह अपने मन में कहता है कि मैं अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा हूँ और वह चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मैं अपने हाथ को हिला नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नोबल के ख़िलाफ़ वॉलेंस करने की जिसे सुनने के बाद टैनिक कहता है कि नोबल ये कौन होता है क्या मैंने इसका नाम सुना है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन रुको जरा तुम मुझे यहाँ पर कुछ बताने के लिए लाए थे लेकिन तुमने बताया तो नहीं लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है और तुम क्या क्या कर सकते हो दिखाओ तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है और उसका तो हाथ छोड़ देता है है जिसे देखने के बाद डेविन गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मेरा पीछा करो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है फिर इसके बाद हमें विविन को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े पर बैठ चुकी होती है और कहने लग जाती है कि मुझे उसके पास जल्द से जल्द जाना होगा और वह राजकुमारी की बातों को याद करने लग जाती है और वह कह रही होती है कि तुम्हें टेनी के पास जाना चाहिए लगता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है जिसे सुनने के बाद विविन अपने मन में कहती है कि पहले तो मुझे लगा था कि राजकुमारी उस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही है क्योंकि वह स्पीड अचानक से गायब हो गई थी और शायद इसकी वजह से वह कुछ ज़्यादा ही परेशान थी लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है मुझे जल्द से जल्द डेविन को ढूंढना होगा और देखना होगा कि वह उसे कहाँ पर ले गया है और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से जा रही होती है और अपने मन में कह लग जाती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं वहाँ पर लेट ना पहुँचूँ और हम देखते हैं कि डेविन उसे अपने एक कैसल के पास लेकर आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि बच्चे तुम्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा लेकिन हम देखते हैं कि टेनी को इस सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता वह सिर्फ अपने और इस मानवा को काफी डिटेल में समझा रहा हूं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे शॉर्ट में समझाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चाहे अपने मिलता अगली वीडियो में धन्यवाद